कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे जिला कांगड़ा के लिए राहत की खबर आई है। विदेश यात्रा से लौटे कोरोना वायरस पॉजिटिव युवक को टांडा अस्पताल में कोरोना वायरस से मुक्त होने पर घर भेज दिया गया है। टांडा मेडिकल अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना वायरस से पीड़ित युवक को कोरोना मुक्त होने पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अस्पताल प्रशासन ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घर भेज दिया है। युवक को घर पर भी कुछ एहतियात बरतने के लिए निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए हैं। युवक को घर पर किन नियमों का पालन करना होगा ये उसे बताया गया है, साथ ही परिवार को भी निर्देश दिए गए हैं। अब टांडा मेडिकल कॉलेज में एक ही कोरोना वायरस पॉजिटिव महिला उपचाराधीन है, जिसका एक सप्ताह बाद दोबारा सैंपल लिया जाएगा। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे छुट्टी दे दी गई है और उसे होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए सभी 7 लोगों के भी कोरोना टेस्ट किए गए थे, जो नेगेटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में 1904 लोग विदेश यात्रा कर आए थे, जिनमें से 534 लोगों को 28 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रखा गया था, जो अपना टाइम पीरियड पूरा कर चुके हैं। सीएमओ ने कहा कि 287 लोग जिला को छोड़कर जा चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जिला में फिलहाल 848 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। इसके अलावा 19 लोगों को इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटीन में रखा गया है। ये एक विदेश यात्रा से युवक आया था हमारे पास। पहले जो है, जैसे ही उसको लक्षण पाए गए इस बीमारी के, उसको आइसोलेशन फैसिलिटी फॉर प्रोबेबल्स धर्मशाला में शिफ्ट किया गया, जहाँ से उसका सैंपल लेके टांडा लैब में भेजा गया और वहाँ पे उसे वो पॉजिटिव आया था। उसको एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस इमीडिएटली टांडा आइसोलेशन फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया। वो उसके जो लक्षण थे वो इलाज के बाद इम्प्रूव कर गया, पर जैसे गवर्नमेंट इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि अगर 24 घंटे के अंतराल के ऊपर 2 नेगेटिव सैंपल्स आएंगे तभी उसको क्योर माना जाएगा। तो उसके कल हमें दोनों सैंपल्स की, 2 कंसेक्यूटिव सैंपल्स की रिपोर्ट जो थी नेगेटिव पाई गई। इसके बाद उसको अस्पताल से छुट्टी देकर के होम क्वारंटाइन पर उसके घर भेज दिया गया है। जिस दिन वो विदेश यात्रा से आया था, जब तक वो 28 दिन पूरे नहीं कर लेता, वो अपने घर पे ही होम क्वारंटाइन में रहेगा। हमारा हेल्थ सिस्टम उसको डेली फॉलोअप कर रहा है दिन रात। तो होम क्वारंटाइन के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके जो क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स थे गवर्नमेंट के इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक, उन 6-7 लोगों का भी हमने टेस्ट करवा लिए थे, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव पाई गई थी। हमें अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है हमारे पास, 1904 लोग 1904 लोग जो थे उनकी हमें सूचना मिली थी कि ये विदेश यात्रा से आए हैं, जो संभावित क्षेत्र हैं देशों से आए हैं। उनमें से 534 लोग जो 28 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा कर चुके हैं, अब हमें नहीं लगता कि वो उनको फॉलोअप करने की आवश्यकता है। 244 लोग जो हैं वो हमारा जिला छोड़ के या स्टेट छोड़ के बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी, और हमने जो कंसर्न जहाँ पे उनकी मूवमेंट हुई है उन कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है। इस वक्त मेरे सिस्टम में 848 लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटीन की जिनको सलाह दी गई है, और वो मेरे विभाग के वर्कर्स डॉक्टर्स वो लगातार उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। और उसमें साथ में एक आदमी जो है जो पॉजिटिव आया था वो आइसोलेशन फैसिलिटी टांडा में उपचाराधीन है। अभी हम उसके 2 नेगेटिव रिपोर्ट की या इम्प्रूवमेंट की वो कर रहे हैं। इनमें से जो साथ में लगभग 19 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी में, क्योंकि उनको वो संभावित क्षेत्रों से आए हैं प्लस हाई रिस्क डिजीज हैं उनको, कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो हमारे पास इस वक्त 19 और लोग ऐसे हैं जिनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में रखा हुआ है और विभाग की निगरानी में। नॉर्मली हमने उसके कल या परसों टेस्ट किए थे, ठीक है वो सैंपल पॉजिटिव पाया गया। तो जैसे गवर्नमेंट ने यही गाइडलाइन है कि 7 दिन के बाद हम उसके दोबारा से टेस्ट रिपीट करेंगे, और उसके टेस्ट अगला संभावित जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो उन टेस्ट रिपोर्ट्स पर डिपेंड करेगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।